हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदू भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अगले लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सेक्शन 24 तक बता दिया था, अब हम सेक्शन 25 की बात करेंगे। तो सेक्शन 25 देखिए क्या कहता है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय जबकि वह लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन है। मतलब अगर किसी करार में प्रतिफल नहीं है तो वह करार शून्य माना जाता है, भले ही वह लिखित रूप से हो, रजिस्ट्रीकृत हो या कोई प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। अब इसका अर्थ क्या है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, सिवाय जब, कब, लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया। अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ संबंध है और वो इस संबंध में एक करार करते हैं, संविदा करते हैं जिसका प्रतिफल नहीं है, फिर भले ही वो लिखित तौर पर किया गया हो या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, बिना प्रतिफल के जो करार होता है वो शून्य होता है। अब इसका अगर हम दृष्टांत देखें तो खा को किसी प्रतिफल के बिना 1,000 रुपये देने का वचन का देता है, यह करार क्या है? शून्य है। जैसे खा की थैली का पड़ी पाता है, खा की एक थैली थी जो रास्ते पड़ी हुई थी, उसको का पाता है और उसको दे देता है। का को खा 50 रुपये देने का वचन देता है, यह संविदा है। खा के शिशु पुत्र का पालन का करता है, वैसा करने में हुए का के व्ययों के संदाय का खा वचन देता है, यह संविदा है। अगर वचन देता है तो वह संविदा है। खा के 1,000 रुपये के द्वारा दे है, किंतु वह ऋण पर सीमा अधिनियम द्वारा बाधित है कि का उसे ऋण मत्ते खा को 500 रुपये देने का लिखित वचन हस्ताक्षर करता है, यह एक संविदा है। तो ये हमारी धारा 25 थी। अब बात करते हैं धारा 26 की कि विवाह का अवरोधक करार शून्य है। ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह का अवरोधार्थ है। मतलब किसी विवाह के अवरोध में कोई किया गया कार्य वो शून्य होगा। फिर आता है धारा 27, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। अब व्यापार का अवरोधक हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है तो उस विस्तार तक शून्य। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में कोई व्यापार है, ठीक है, और वो एक करार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्यापार का अवरोधक बनता है तो ये करार शून्य माना जाएगा, ठीक। अब आता है धारा 28, विधिक कार्यवाहियों की अवरोधक करार शून्य। अगर कोई विधिक कार्रवाई हो रही है दो लोगों के बीच में, उसके बीच अगर कोई करार किया जाता है तो वो शून्य। अब कहने का मतलब है कि जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरण में प्रायिक विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तित कराने के अत्यंकित अवरुद्ध किया जाता है, जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार से प्रवृत्त कर सकता है या परिसीमित कर देता है। जैसे इसमें एक अपवाद देखिए क्या है, जो विवाद पैदा हो उसके माध्यस्थम के लिए निर्देशक करने वाली संविदा की व्यवृत्ति, यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह मध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल यह रकम वसूलनी होगी जो ऐसे मध्यस्थम अधिनियम है। अब देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसा विवाद चल रहा तो उससे संबंधित जो करार होगा वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। तभी इसमें लिखा कि विधिक कार्यवाहियों की अवरोधक करार शून्य, ये हमारा धारा 28 था। अब आता है धारा 29, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या है, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है।
एग्जाम्पल से आप समझिए कि मैं आपको 1000 वीडियो देने का वादा करता हूँ, ठीक है? आपने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं उस 1000 वीडियो में आपको क्या दूंगा। तो ये जो करार है वो क्या होगा? शून्य है। वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शून्य। ऐसा करार जिसका आधार निश्चित नहीं। अब जैसे हमने 1000 वीडियो कहा है, तब हम किसी पर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपको ये लगा कि हम एलएलबी से रिलेटेड वीडियो पाएंगे, तो ये जो करार होगा वो क्या होगा? शून्य। जैसे इस पर एक बात है कि खाको का 100 टन तेल बेचने का करार करता है, उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आसियत था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य। खान नाम का व्यक्ति का को 1 टन तेल देने का वादा करता है और उसमें यह कहीं भी दर्शित नहीं है कि वो किस चीज का तेल देगा, मतलब पेट्रोल देगा, कैरोसिन देगा, कड़वा तेल देगा या रिफाइंड तेल देगा। तो ये क्या है? अनिश्चितता का कारण है शून्य। अब इसमें एक और एग्जांपल, का जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है, खा को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। का के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ प्रदर्शित करती है कि का ने 100 टन नारियल तेल के विक्रय के लिए संविदा की है। अब इसको अगर समझे तो मान लीजिए मैं मेरे चैनल पे केवल एलएलबी से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही एलएलबी का है, तो जाहिर सी बात है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो कानून से संबंधित ही आपको दूंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको कॉमेडी वीडियो दूंगा, तो सामने वाला भी समझता है कि एलएलबी का चैनल, उसमें एलएलबी से रिलेटेड वीडियो ही मिलेगी। इसी तरह एग्जांपल है कि का एक नारियल तेल का व्यापारी है और वो खा को इतने मन तेल देने का वादा करता है, तो खा को तो ये पता है कि अगर वो नारियल तेल का व्यापारी है तो नारियल तेल ही देगा और कुछ नहीं देगा। फिर आता है 30 धारा 30, पद्धम के तौर के करार शून्य है, एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगर वाइड। पद्धम का मतलब क्या होता है? पद्धम का मतलब होता है दांव। अगर मान लो कोई किसी पर दांव लगाता है, उसके लिए अगर कोई करार करता है तो वो शून्य माना जाए। जैसे घुड़दौड़ के लिए कतिपय परितोषक के पक्ष में अपवाद है कि ये धारा ऐसे चंदे या अभिदाय को या चंदा देने को, अभिदाय करने के ऐसे करार को विधिवत बना देने वाली समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेता को प्रदे किसी ऐसे प्लेट परितोषक या धनराशि के लिए मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल या रकम 500 रुपये या उससे अधिक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस धारा में कोई बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे समयवार को जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। ये एक अपवाद है। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 30 तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको धारा 31 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा। बाकी इच्छा आपकी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।